नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिविस लैब में कल क्या लेवल्स होगा जिस पर हम सब कल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिविस लैब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, ये दो तरह से ये आपको ट्रेड मिलेगा। पहला जो ट्रेड मिलेगा वो है आपका इंट्राडे का, ठीक है, इंट्राडे का ट्रेड मिलेगा। और सेकेंड जो ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा स्विंग ट्रेड का, ठीक है, स्विंग ट्रेड का। अब आपको देखना है कि इंट्राडे आप करने वाले हैं या फिर स्विंग ट्रेड करने वाले हैं या फिर आप दोनों आप करने वाले हैं, दोनों, ठीक। उस परिस्थिति में आप ध्यान दीजिएगा, इंट्राडे का जो लेवल्स है ये 3908 का एक और 3878 का, ठीक है, ये दो पॉइंट एक जोन है, ठीक है। इस जोन को आज के दिन क्रॉस किया है। सबसे पहले तो अगर आप इस पर पहले से ध्यान अगर बनाए हुए होते तो ये आज काफी अच्छा ट्रेंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था इस जगह पे। ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन कर गया अपर साइड में, तो यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं कि इस जगह पे ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अब जो है आपका ट्रेड जो है 3908 और 3878 का एक जोन है, ठीक है। इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि कल के दिन यदि ऊपर अगर खुलता है, ज्यादा ऊपर अगर इस जगह पे ओपन होता है तब तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस जगह पे अगर ट्रेड ओपन होता है तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। उस परिस्थिति में आपको देखना है कि यहाँ पे इस जोन के पास 3908 और 3878 के पास क्या कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है क्या, या फिर आपका कोई यहाँ पे कोई पैटर्न जो है चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन करता है क्या। यदि चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया या फिर बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन किया तो बुलिश कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा 15 मिनट का कैंडल, वैसी आप जो है बाई का ट्रेड बना लीजिएगा। या फिर कोई यहाँ पे कोई पैटर्न का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे आया और होल्ड करने लगा और ब्रेकआउट मार दिया, ब्रेकडाउन ना देकर के ब्रेकआउट मार दिया, उस परिस्थिति में जो है आप क्या करेंगे, बाई का सिनारियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपका जो बाई का जो सिनारियो होगा, पहला सिनारियो बताए जब गैप अप हो गया, ठीक है, जब गैप अप हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको, जैसा कि पहले जितना भी ट्रेड आपको प्रॉफिट दिया है, कल के दिन भी जो ट्रेड आपको दिए थे वो प्रॉफिट ही दिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। कोई भी अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लिया है, तो हम आशा करते हैं कि इसमें भी आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो आपको हम बता रहे हैं कि यदि गैप अप होता है, ये सिनारियो आपसे डिस्कस कर दिए, यदि सेम लेवल पे ओपन होता है, सेम लेवल पे ओपन हुआ, उस परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा कि यहां पे इस एरिया में आपको जो है कोई भी लगे कि हल्का भी आपको लगे कि यहां पे नीचे नहीं जा रहा है, नीचे क्रॉस नहीं कर रहा है, उस परिस्थिति में करना क्या है कि जब नीचे जब क्रॉस नहीं करेगा तो निश्चित है कि कैंडल को ऊपर साइड में भेज देगा, तो कोई ना कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि आपको किसी तरह के कोई भी ट्रेड में यदि आपको लगता है इस जोन के पास 3908 और 3878 के पास कोई भी एक बुलिश कैंडल केवल बनना चाहिए, बुलिश कैंडल बना उसके हाई पर आप बाई करेंगे, ठीक है, या फिर यहां पे आ करके सस्टेन करने लगा, सस्टेन करने के बाद कोई एक चैनल तो बनाएगा ना, चैनल बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया, जैसे ही ब्रेकआउट देगा आपको बाई करना है। मतलब आपका जो इंट्राडे का सबसे पहले आपको जो बता रहे हैं इंट्राडे का किस तरह से ट्रेड बनेगा, तो 3908 से लेकर के 3878 का ये जोन है, ठीक है। यदि इस जोन के पास सस्टेन करने लगा या फिर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन अगर कर दिया, ठीक है, फिर कौन से टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ध्यान दीजिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यदि 3908 और 3878 के पास कोई भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, उस परिस्थिति में आप उस बुलिश कैंडल के हाई पर ट्रेड लगाएंगे, बुलिश कैंडल के हाई पर आप बाई करेंगे, ठीक है। आपका जो टारगेट होगा वो आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका जो होगा, ये सबसे पहले एंट्री पॉइंट लिख रहे हैं, एंट्री पॉइंट है इंट्राडे का, ठीक है। टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका है 60 पॉइंट्स का फर्स्ट, 100 पॉइंट्स का सेकेंड, 150 पॉइंट्स का, ठीक है, थर्ड, ये आपका टारगेट अचीव करके देगा, ठीक है। इस परिस्थिति में आपका एसएल क्या बनेगा, स्टॉप लॉस क्या होगा।
3878 ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, 3878 के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल, मान लिया जाए आप बाय का ट्रेड बना लिए, ये ऊपर न जाकर के नीचे आने लगा, ठीक है। तो कोई भी 3878 के नीचे का 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग केवल दे दे, जैसे ही क्लोज करे उसके लो पर आपको स्टॉप लॉस कटवा लेना है, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 3878 के नीचे बिलो, 3878 के नीचे 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब कि कोई 15 मिनट का कैंडल 3878 के नीचे का क्लोजिंग दे दे, ठीक है, और उस कैंडल के लो पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, जैसे उसका लो ब्रेक होगा आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। ये तो था आपका इंट्राडे का, ठीक है। अब आते हैं स्विंग ट्रेड क्या होगा, ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा उम्मीद है प्रॉफिट आपको देगा ये ट्रेड, ठीक है। अब आते हैं स्विंग ट्रेड का, तो स्विंग ट्रेड क्या होगा देखिएगा, स्विंग ट्रेड क्या होगा आपको डायरेक्ट हम लेवल्स दे दे रहे हैं। स्विंग ट्रेड के लिए आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। ये जो स्विंग ट्रेड आपको दे रहे हैं वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चलते इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो लेवल्स हम आपको दे रहे हैं 3895, ठीक है, से लेकर के 3835 के पास जब कभी भी ये स्टॉक आए, जब कभी भी आ जाए, आप बाई का ट्रेड बना लेंगे, बाई का ट्रेड आपका स्विंग ट्रेड में बन जाना चाहिए, ठीक है, स्विंग ट्रेड में बन जाना चाहिए। उस परिस्थिति में स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका 3835 के नीचे बिलो, 3835 के नीचे 1 आवर कैंडल क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। जैसे ये कोई जोन है, ये जोन है 3895 से 3835 का, ठीक है। अब मान लिया जाए कि कोई 1 आवर का कैंडल यहां पे बुलिश फॉर्म कर दिया और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो आपका तो बाई का ट्रेड बन जाना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। मान लिया जाए ये गया और आपका टारगेट ना दे करके स्टॉप लॉस लेने के लिए है, तो कैसे नीचे आया और 3835 के नीचे कोई 1 आवर के कैंडल का, ये तो आपका 1 आवर में है, 1 आवर के कैंडल के 3835 के नीचे 1 आवर का कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसका लो पॉइंट तो होगा, लो पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा वैसे ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा स्टॉप लॉस का होगा, ठीक है। तो इस परिस्थिति में आपका जो टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो आपका जो टारगेट है सबसे पहला टारगेट है 4000 का, दूसरा टारगेट है 4115 का, तीसरा टारगेट है 4220 का, और चौथा जो फाइनल टारगेट होगा 4375 का। ये आपका 4 टारगेट है स्विंग ट्रेड में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्विंग ट्रेड को हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, इंट्राडे को हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, दोनों का अलग अलग ट्रेड दे दिए, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, स्विंग ट्रेड तो हम बता दिए, ठीक, इंट्राडे में ध्यान दीजिए एक चीज आपका छूटा हुआ था, यदि सेम लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, सेम लेवल पे ओपन होकर के और ये भागने लगता है तो ये हाई पर भी आप बाई कर सकते हैं, हाई पे भी आप बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस वही क्लोजिंग बेसिस का होगा 3878 के नीचे का क्लोजिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और उसका लो तोड़ दे, ये इंट्राडे का, मतलब कि आप ऐसे परिस्थिति में भी आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिविस लैब का एनालिसिस, हम आशा करते हैं कल जो ट्रेड जो आप लोग को दिए थे आज के लिए वो ट्रेड आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे। ओके, थैंक यू।
दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।